अशोकनगर विधानसभा के क्षेत्र शाडोरा में भाजपा प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी के पक्ष में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस सरकार और कमलनाथ को खूब कोसा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने कल राजपुर में हुई सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे बड़ा भूमाफिया बोला था। इस पर सिंधिया ने जवाब दिया कि मेरी संपत्ति 300 वर्ष पुरानी है, जो नए नए महाराज बने हैं वो अपनी संपत्ति का हिसाब दे। जनहितैषी नीतियों के चलते 54 साल पहले राजमाता सिंधिया ने डीपी मिश्रा की सरकार गिरा दी थी और 54 साल बाद जन विरोधी नीतियों के चलते ही मैंने कमलनाथ की सरकार गिराई। अगर सबसे बड़ा कोई भू माफिया है उसका नाम क्या है बताओ भाई? उसका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सन 1967 राजमाता साहब ने कांग्रेस की डीपी मिश्रा की सरकार बनाई थी। उस समय कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य होता था। डीपी मिश्रा ने जन विरोधी नीति अपनाई तो राजमाता साहब ने सड़क पे उतर कर डीपी मिश्रा को धूल चढ़ा। चौवन साल बाद आए कमलनाथ जी, वादा खिलाफी जनता के साथ की, गद्दारी जनता के साथ की, तो ज्यादा सिद्धिया दे महाराजा है वो अपनी संपत्ति का जवाब दे। शाडोरा से EMS TV के लिए अर्पित रघुवंशी की रिपोर्ट।